हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल माइंड ट्रेडर में स्वागत है। तो गाइज़, काफ़ी भाई मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे और काफ़ी भाई कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर प्लीज़ क्रिप्टो से कैसे डिपॉजिट करते हैं, मतलब सॉरी क्रिप्टो से कोई टैक्स पॉकेट ऑप्शन वगैरह में कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉल करते हैं। तो गाइज़, अभी ये पहली वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल दिखाऊंगा। अभी फर्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिप्टो का कौन सा है। तो गाइज, प्लेटफॉर्म तो काफ़ी हैं इसके क्रिप्टो करेंसी के, जैसे बिटकॉइन, यूएसडी टाइटल के जो होता है वो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। तो गाइज, इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है बाइनेंस, ठीक है। तो गाइज, इसमें पूरा प्रोसेस मैं कंप्लीट अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को विदाउट स्किप करके अच्छे से चेक कर लेना, कैसे मैं उसमें डिपॉजिट करूंगा, कैसे विड्रॉल करूंगा, अच्छे से प्रॉपर चेक कर लेना पहले, उसके बाद ही स्किप करना। क्योंकि गाइज, अगर आपने स्किप करके वीडियो देखी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम होगी, आप मुझे पर्सनली फिर मैसेज करोगे। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। और उससे पहले गाइज, अगर आपने आपको पॉकेट ऑप्शन ओलंपिक में अकाउंट नहीं है, आपको वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उसके लिंक के थ्रू आपको अकाउंट क्रिएट करना है और मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है। देख लो गाइज, ये मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप मेरे पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ भी मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो गाइज आप इन सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और तीन मेरे वीआईपी ग्रुप हैं, पॉकेट ऑप्शन, कोटेक्स और एक ओलंपिक। तो गाइज, अभी एक टूर्नामेंट भी चला हुआ, तो गाइज ये लाइफ टाइम का टूर्नामेंट है, यहाँ पे पिन मैसेज पे क्लिक करोगे आपको तो आपको दिख जाएगा ये। अभी इसकी लास्ट डेट 12 अगस्त 2022 है। गाइज, अगर आपका 50% लॉस होता तो मैं सॉरी गाइज, अगर जस्ट की सपोज मान लो आपका 1 लाख का लॉस होता तो मैं उसका 50% आपको रिफंड कर दूंगा। तो गाइज, ये टूर्नामेंट है, ये लाइफ टाइम चलेगा हमारे ग्रुप पर, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी चलिए गाइज, मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी बाइनेंस की, ठीक है, बाइनेंस की लिंक मिलेगी, उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो चलिए अभी मैं उस लिंक पे क्लिक करके आपको आगे दिखाता हूँ। गाइज गाइज, आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड मत करना, ठीक है, पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी बाइनेंस की। और गाइज, एक बात और, प्लेटफॉर्म तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म में दिक्कत क्या होती है, जैसे गाइज मान लो एक प्लेटफॉर्म है कॉइन डीसीएक्स, अगर आपको किसी को 10 USDT किसी को सेंड करने, तो गाइज उसमें 20 USDT की फीस लगती है, यानी कि $20 की आपको फीस लगती है। और गाइज, बाइनेंस ये किस लिए बेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसलिए बेस्ट है गाइज, इसमें आप चाहे अगर $1 लाख भी किसी को भेजोगे ना, तो गाइज आपको इसमें फीस ओनली $0.8 की लगेगी, यानी कि अराउंड आपके वही ₹60 के आसपास, $1 भी पूरा नहीं देना गाइज इसमें आपको, इसलिए सबसे बेस्ट है बाइनेंस। और विड्रॉल के लिए कॉइन DCX है, लेकिन ये भी बेस्ट है विड्रॉल के लिए, इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा एक बार आगे, ठीक है। अभी जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखो, जैसे ऊपर लिखा साइन अप विद फोन और ईमेल, तो आप इससे भी साइन अप कर सकते हो, कंटिन्यू विद गूगल से भी कर सकते हो, और सबसे नीचे लिखा हुआ है एक साइन अप फॉर एन एंटिटी अकाउंट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है लो फीस, 24/7 सपोर्ट है, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, और इसमें और क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अब नीचे चलना है, देखो नीचे जाके आपको स्टार्टिंग में आपका नेम डालना है, यहाँ पे आपका नेम और यहाँ पे आपकी मेल आईडी, और यहाँ पासवर्ड गाइज कैसे चूज करना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ उसके बाद गाइज यहाँ पे ये टिक कर देना अपना और क्रिएट एंटिटी अकाउंट कर देना। इससे पहले एक बार आपको पासवर्ड डाल देता हूँ कि कैसे आपको पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड गाइज, जैसे मान लो आपका 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, लाइक गाइज देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे SIMPLE गाइज जो है सिंपल, ठीक है। इसमें जो आपका पहला जो वर्ड होगा गाइज ये कैपिटल होगा, यानी कि बड़ा बड़ा वर्ड होगा पहला, बाकी सारे आपको छोटे रखने हैं। उसके बाद आपको गाइज जैसे कि एट द रेट हो गया, ये @1 2 3 या कुछ भी आगे कुछ भी डिजिट लगा सकते हो, तो आपकी मर्जी, 1 2 3 7 8 1 सिंगल नंबर रख सकते हो आप। तो टोटल इस तरीके का आपका पासवर्ड होना चाहिए।
तो वो पासवर्ड आपको डाल के यहाँ पे क्रिएट एंटिटी अकाउंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको एप्लीकेशन में दिखाऊंगा। तो इतना प्रोसेस पहले आप कंप्लीट कर देना, उसके बाद मे बी जैसे आप क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन शो कर देगा। अगर आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन शो नहीं करता तो आप इसके ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट आप गूगल प्ले पे जाना और गूगल प्ले पे जाके आप बाइनेंस सर्च करना, वहाँ पे आपको बाइनेंस का ऐप मिल जाएगा, ठीक है। देखो गाइस ये बाइनेंस का ऐप है, सबसे ऊपर है, ये आप चेक कर लेना 5 करोड़ प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। तो ये बाइनेंस ऐप ओपन कर लेना फिर। सो गाइस देखो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन शो होंगे नीचे, ये होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और एक वॉलेट का। तो आपको इससे मतलब कैसे डिपॉजिट विड्रॉल कैसे क्या करना है, उससे पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ से वेरीफाई करना सबसे ऊपर जाके। देखो जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे तो आपको देखो ये बाइनेंस ऐप ऐसे शो करेगा और यहाँ पे देखो मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। तो वेरीफाइड आपको कैसे करना है एक बार ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये शो कर रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे देखो एरो टाइप करा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा आपका। सो गाइस देख लो मेरा कंप्लीट वेरीफाइड है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, ये गवर्नमेंट आईडी यहाँ पे मैंने डाल रखी और फेस आईडी वगैरह सब कुछ वेरीफाई कर रखा है। और यहाँ पे देखो ये भी दिख जाएगा आपका, सब एक्टिवेट है मेरा P2P क्रिप्टो ऑल मेरा एक्टिव है और कंप्लीट ये देखो यहाँ पे शो कर रखा कंप्लीट वेरीफाइड है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने देखे आपका आधार कार्ड से या फिर कोई पैन कार्ड हो, लाइसेंस हो, उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आप अपना वेरीफाई कर लेना ये। अब वही सबसे मेन बात इसमें आपको डिपॉजिट कैसे करना है, यानी कि आपने अकाउंट बना लिया, अब आपको यहाँ पे जैसे बिटकॉइन या USDT डायरेक्ट आपको कैसे मिलेगा। सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा आपको वॉलेट्स का, तो वॉलेट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब गाइज आपके पास जितनी करेंसी होंगी, यानी टोटल जितना अमाउंट होगा वो आपको यहाँ उसका टोटल दिखा दिया कि इतना वो अमाउंट है आपका, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। अब आपको यहाँ पे बाय करना है, बाय पे क्लिक करना है, आई हैव रीड और कंफर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है P2P, ठीक है। तो P2P पे यहाँ पर आपका P2P हो तो ठीक है, अगर आपके यहाँ पे ऑप्शन ना हो तो P2P पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, 3 है, तो P2P पे आपको क्लिक रखना है। अब देखो यहाँ पे आपको कौन सा, जैसे कि अगर आपको बिग अमाउंट डिपॉजिट करना तो देखो यहाँ पे लिमिट लगी हुई है कि इसमें आपको मिनिमम 46,000 तो डिपॉजिट करना पड़ेगा। देखो जैसे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट डालता हूँ कि मुझे 1,000 रुपये का बिटकॉइन चाहिए भाई, तो यहाँ पे देखो मिनिमम दिखा दिया कि 46,200 रुपये मिनिमम है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना जिसमें कम अमाउंट, मतलब कोई बंदा हमें देश के क्रिप्टो, यहाँ पे देखो आपको नीचे वाली जो लिमिट लिखा हुआ है ये नीचे वाली सबसे सबके अमाउंट चेक करने हैं। अब देखो हमें कम अमाउंट भी मिल गया यहाँ पे, देखो इसकी 10,000 का देगा मिनिमम। और इससे बेस्ट आप देने से अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ये वाला, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे अपना अमाउंट डाल देना, जितना आपको बाय करना उसके हिसाब से आप यहाँ अमाउंट डाल देना। सपोज करो मिनिमम तो उसमें 10 USDT डिपॉजिट होते हैं, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 1,000 रुपये, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो देखो जितने भी 1,000 रुपये वाले हैं वो सारे बंदे आ जाएंगे यहाँ पे, देखो 1,000 वाले जो हमें मतलब 1,000 रुपये का देखते हैं, यहाँ पे देखो 500 वाला भी एक, देखो सारे 1,000 रुपये वाले आ जाएंगे। तो अब इसकी मान लो आपको एक चीज़ और चेक करनी है जिसका ये हाइएस्ट होना, जैसे 1523 ट्रेड हैं, 2327 हैं, तो ये आपको चेक कर लेना है अच्छे से। और देखो जैसे कि सपोज करो ये 32 ट्रेड वाला है, तो ऐसे बंदों के पास आप मत लेना, जिसका 500 प्लस ट्रेड होना उसी के पास जाके आप बाय करना यहाँ से। अब देखो मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे ये रेट मिलेगा हमें 84.38 रुपये का, मतलब $1 मिलेगा यहाँ पे 84.41। तो रेट अगर आपको चेक करना है रेट भी आप चेक कर लेना। अब देखो मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बाय पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डालता हूँ मैं 1,000 रुपये, जैसे मुझे बाय करना है।
अब देखो गाइज यहाँ पे मैंने 1000 रुपए का अमाउंट डाल दिया, यहाँ पे शो कर गया कि 1000 रुपए का हमें 11.85 USDT मिलेगा और फीस यहाँ पे 0 लगेगी, ठीक है। और पेमेंट मेथड ये IMPS है और UPI है। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ से, जैसे अगर आपको क्रिप्टो से मतलब क्रिप्टो में डिपॉजिट करना है, एक बार ये दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको USDT का अमाउंट डालना है। तो देखो 10 USDT डाला तो आपको इनको पे करना पड़ेगा 844.20 INR। गाइस पॉइंट में भी आपको इनको भेजना पड़ेगा, अगर इससे ऊपर एक अमाउंट भी गए, एक पैसा भी गया ना, तो आपका डिपॉजिट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, तो सबसे बेस्ट है बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो, यहाँ पे अमाउंट डाल दो 1000 रुपये। तो अब यहाँ से बाय विद 0 फीस करना है। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो आपका बाइनेंस में अकाउंट में जो नाम होगा उसी नाम के अकाउंट से आपको इनको पेमेंट सेंड करनी है, ठीक है। ये आपको केयरफुली अच्छे से ध्यान रखनी है बात। आप किसी और बंदे के अकाउंट से पैसे इनको भेज देते हो तो आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगी, जो अकाउंट आप इसमें लिंक करोगे या फिर जो आपका नेम है इसमें उसी रिलेटेड अकाउंट होना चाहिए आपका। तो इतना देखो यहाँ पर आ गया बाय पे क्लिक करने के बाद, अब यहाँ आपको अमाउंट शो कर दिया 1000 रुपये, यहाँ पे इतने पैसे का प्राइस मिल रहा हमें और यहाँ पे आपका USDT में। अब यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना आपको। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन शो कर रहा है, एक तो IMPS और एक UPI। अगर आप IMPS से पैसे भेजना चाहते हो तो IMPS कर लेना, अगर UPI से भेजना चाहते हो तो UPI कर लेना। और किसी के में अगर जैसे कि IMPS ही हो ओनली, जो बंदा IMPS वो एक्सेप्ट करता हो तो आप उस बंदे को छोड़ देना, आप कोई और बंदा चेक कर लेना जिस वो मतलब UPI से पेमेंट लेता हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर गया, एक तो यहाँ पे इसका बंदे का नाम और इसकी बंदे की UPI ID। तो यहाँ से कॉपी करना है UPI ID आपको, नाम चेक कर लेना, ये नाम शो करेगा शांतनु कुमार दास। अब देखो आपको अपने फोन पे फ्रीचार्ज या गूगल पे जो चीज़ भी आप यूज़ करते हो उसमें आके UPI से इसको 1000 रुपये सेंड करने हैं। देखो नाम आ चुका है यहाँ पे शांतनु दास, सेव। अब यहाँ पे अमाउंट डालूंगा मैं 1000 रुपये और प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दूंगा, इसको पेमेंट सेंड कर दूंगा। देखो पेमेंट सेंड हो चुके सक्सेसफुल। अब यहाँ पे व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना है। देखो जो ये चीज़ है आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है नोट ट्रांसफर डी वाला नोटिफाई सेलर, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे शो कर देगा अपील। अब ये बंदा बोल रहा है कि पे फास्ट। अब यहाँ पे यहाँ से क्लिक करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है इसको। देखो हमने ये स्क्रीनशॉट लिया था तो इसको सेंड कर देते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको मैसेज टाइप कर देना है सेंड इट डन, बस इतना करने के बाद यहाँ पे देखो आपका थोड़ा सा वेट कर देना, बस 1-2 मिनट, ये तुरंत आपको यहाँ पे रिलीज कर देगा अमाउंट। देखो मैं एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ऊपर टाइम चेक कर लो, 10:46 हो रही हैं। देखो गाइस 10:47 हुई है, ऊपर 1 ही मिनट लगी है, मुश्किल से कुछ सेकंड लगी हैं। तो यहाँ पे आपका डिपॉजिट डन हो चुका है, डन पे क्लिक कर देना बस आपको, ऐसे कट किया, ओके। देखो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है अपना, बैग वॉलेट्स में आ जाना है। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो अमाउंट शो कर गया, ये रहा $13 शो कर दिया ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ओनली ये डिपॉजिट करना। ये शो कैसे करेगा आपका, देखो यहाँ फंडिंग लिखा हुआ, फंडिंग पे क्लिक कर देना आपको। तो देखो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखा देगा कि आपके पास USDT है, ये अवेलेबल, इतना सब कुछ शो कर देगा आपका। बाकी और करेंसीज हैं, देखो और करेंसीज हैं, जैसे आपको जो भी चीज़ बाय करनी हो ना उस तरीके से आप बाय कर लेना, जैसे आपको समझाया बिल्कुल। यहाँ बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने USDT बाय किया, देखो सबसे ऊपर USDT लिखा हुआ था, इस तरीके से BTC भी है, BUSD भी है, BNB भी है। तो इस तरीके से आपको BTC पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो अमाउंट शो कर देगा ऐसी करके लिमिट वाला, ये प्रोसेस, ये पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ये यहाँ पे देखो ये एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से आप कोई सी भी करेंसी आप बाय कर सकते हो यहाँ से।
तो गाइज इस वीडियो में तो आपको इतना प्रोसेस बता दिया कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, कैसे आपको इसमें डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब आपको इसमें से कैसे पैसे भेजने हैं, कैसे कॉन्टेक्स्ट में डिपॉजिट करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आपको एक एक स्टेप समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए गाइज वीडियो इतनी लंबी बनी है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप किस टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके मुझसे बोल सकते हो, पर्सनली भी आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको ऑल चीज़ की लिंक मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके आप मुझे सब कहीं फॉलो कर सकते हो। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर किया करो, ठीक है। चलिए गाइज अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।